सलारी निवासी विनोद कुमार नोनिया। मैं अपने बच्चे को रांची इलाज कराने गया। उस डॉक्टर ने इलाज के दौरान बताया कि आपका बच्चा का यहाँ इलाज नहीं है। उन्होंने तुरंत हमें सुझाव दिया कि आप बच्चे को मुंबई या दिल्ली या भिलोर ले जाइए, इसका इलाज वहाँ है। जो कि इस इलाज में उन्होंने खर्चा बताया 20 लाख के लमसम, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे इलाज बच्चे को इलाज कराने के लिए आप लोग जो सहयोग कीजिए। मैं एक पैसे से ड्राइवर हूँ, जो कभी काम मिलता है कभी बैठ जाता हूँ, जो कि अपने बच्चे को इलाज के लिए आप लोग से गुहार लगा रहा हूँ। मेरे बच्चे को मदद कीजिए। मैं श्याम जी महतो, जो आज हम लोग चलकर आए हैं विनोद नोनिया के घर। हमें पता चला कि इनका बेटा अंकित कुमार को प्लास्टिक प्नूमोनिया का बीमारी से ग्रसित है, जो कि ये इन्होंने रांची में दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ खलारी निवासी अंकित कुमार को झारखंड और बिहार में इलाज नहीं है, ये प्लास्टिक निमोनिया का है। सो इसे डॉक्टर ने दिल्ली, मुंबई और भिलोर का रेफर दिया, जिसमें कि इसका इलाज संभव है, डॉक्टर ने बताया। और इसका खर्च बताया गया कि 20 लाख रुपया है, जो कि ये एक आम मजदूर है, अपना बच्चा का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि तमाम हमारे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस बच्चे को जिंदगी बचाने में कुछ सहयोग कर इस बच्चे को जिंदगी बचाने का प्रयास हम लोग किया जाए। पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि अपना ये फोन पे, गूगल पे नंबर विनोद नोनिया जी दे रहे हैं, कृपया करके इस बच्चे को इलाज के लिए पूरा देशवासी आगे आकर इस बच्चे को जिंदगी नया देने का कष्ट कृपा करे।